हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ईएनटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन. फ्रेंड्स, वंस अगेन यू ऑल ऑफ वेलकम इन नोज केयर अवेयरनेस प्रोग्राम माय नोज माय लाइफ. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बड़ा ही एक कॉमन टॉपिक, द मिथ एंड फैक्ट ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी. क्या फैक्ट है एंड क्या लोगों की मिथ है अबाउट द राइनोप्लास्टी सर्जरी. बट बिफोर टू नो अबाउट द मिथ एंड द फैक्ट, बड़ा ही संक्षिप्त में वी नो दैट व्हाट इज राइनोप्लास्टी, क्या है ये राइनोप्लास्टी. सो फ्रेंड्स, राइनोप्लास्टी इज बेसिकली नो जॉब एंड पीपल नो बाय लॉट ऑफ अदर्स नेम्स. जो लोग इसको जानते हैं वो है नोज रीसेपिंग सर्जरी है, नोज करेक्शन सर्जरी है, नोज ऑल्ट्रेशन सर्जरी है, एंड देन नोज रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड द प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज. सो जो लोग राइनोप्लास्टी को जानते हैं, देर इज लॉट ऑफ अदर नेम बाय विच द पीपल नो, जिससे राइनोप्लास्टी को पहचाना जाता है. बट फाइनली इन राइनोप्लास्टी सर्जरी जस्ट रीसेप एंड रीसाइज ऑफ द नोज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल फेशियल प्रोफाइल. सो दिस इज द राइनोप्लास्टी सर्जरी. सो फ्रेंड्स, there is a lot of misconception about the rhinoplasty. People have in your mind lot of myth about the rhinoplasty, but the fact is different. So we discuss that what is that myth and what is that actually fact about the rhinoplasty. The first myth about the rhinoplasty, you know, people understand that rhinoplasty is a very simple procedure, but the fact our nose is really a very complex structure of the body, because you know the human nose can distinguish around the 10,000 different type of the smell, and our nose is also communicate with the sinus systems in over the cheek inside of the nose. So jab apan breathe karte hain, jab koi aadmi breathe karta hai, तो पूरी की पूरी एयर वहाँ साइनस सिस्टम में जाके और एयर का प्यूरिफिकेशन होता है, एयर का फिल्ट्रेशन होता है. एंड सपोज आउटसाइड जो है टेम्परेचर बहुत हाई है या आउटसाइड जो है माइनस में है, सो नोज और साइनस मिलके उस एयर का ह्यूमिडिफिकेशन करते हैं. सो बेसिकली नोज एक्ट एज ए फिल्ट्रेशन एंड एक्ट एज ए रिसेप्शन ऑफ द ब्रीदिंग सिस्टम्स. एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द नोज, कि जो अपना नोज है, नोज का जो पीछे का जो लास्ट जो पोस्टीरियर पार्ट है, वहाँ पे अपना ईयर की ओपनिंग होती है. जो अपना ईयर जो बाहर ओपन है, वो नोज के पोस्टीरियर लास्ट पार्ट में ओपन होता है. सो व्हेनेवर वी ब्रीथ, जब अपन ब्रीथ करते हैं, तो कुछ उसमें 10% एयर ईयर में जाती है और आती है, और ईयर का एक वेंटिलेशन मेंटेन होता है थ्रू द नोज. सो फॉर ए हेल्दी ईयर, हेल्दी नोज शुड बी प्रेजेंट. आपने देखा होगा बच्चों के अंदर अगर जुखाम होता है, अपन फ्लाइट में जाते हैं, माउंटेन पे जाते हैं, तो अपने जो है ईयर ब्लॉक हो जाते हैं. सो नोज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन, बिकॉज द हेल्थ ऑफ द नोज इज डिपेंड ऑन द ईयर एंड द रेस्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. सो राइनोप्लास्टी इज नॉट ए सिंपल प्रोसीजर, इट्स रियली ए कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बिकॉज there is other also important reason that make it the more complicated, because nose is a highly variable nasal anatomy. Nose के अंदर बहुत endless जो है उसकी structure के अंदर variations होता है. And the second important rhinoplasty जो procedure है, ऐसी procedure है that need the form and functions. अगर किसी patient की surgery करने के बाद उसका the nose is very beautiful, बट उसे अगर ब्रीदिंग नहीं आई, तो दैट इज द व्यर्थ, वो व्यर्थ है. सो इसलिए दिस सर्जरी इज ए बैलेंस बिटवीन द कॉस्मेटिक एंड द फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ द नोज. एंड द थर्ड इम्पोर्टेंट रीजन दैट मेक द मोर कॉम्प्लिकेटेड द राइनोप्लास्टी सर्जरी, दैट इज बिकॉज व्हेनेवर यू डू द सर्जरी, जब आप सर्जरी कर रहे हो, जब उसके जो रिजल्ट हैं वो मैच विद द अदर पेशेंट माइंड, जो मेरे पेशेंट ने उस राइनोप्लास्टी के बारे में, रिजल्ट के बारे में सोच रखा है, उससे मेरा जो है वो रिजल्ट मैच करे. सो दीज ऑल फैक्टर मेक द राइनोप्लास्टी सर्जरी इज मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी. सो रियली द राइनोप्लास्टी इज नॉट ए सिंपल प्रोसीजर,
nose reshaping surgery is not a simple procedure that requires the focus and skill of the surgeons. So you select a competent surgeon for the rhinoplasty. So friends, next myth about the rhinoplasty. People think that rhinoplasty is only for the adult and after the 22 year or the 25 year age. But really the fact is the different. In adult, there is no age target in adult. But in the children, the ideally age for rhinoplasty for the girls, that is the 15 or after the 16. For the male, for the boys, ideally is the 17 year. Why? Because there is some reason behind that. Because after this age, the patient prepare for the recovery phase. And the patient is emotionally mature enough to understand the changes about the nose. जो उसके नोज पे जो चेंजेज हो रहे हैं उन सबको वो समझने के लिए मैच्योर हो जाता है. एंड देन अनदर रीजन, देन पेशेंट डेवलप पेशेंस टू नीड द चेंजेज. बिकॉज जो राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है उसमें उसका जो फाइनल आउटकम आता है, इट विल टेक सम टाइम. सो व्हेन ए पेशेंट आफ्टर द 15 और 16, जब उसको ये अंडरस्टैंडिंग पावर डेवलप हो जाती है, उसको पेशेंस डेवलप हो जाती है, उसको जो फाइनल उसका चेंजेज आते हैं उसको. बट समटाइम्स सपोज इफ ए पेशेंट हैव ए एडिशनल फैक्टर, कि जैसे बच्चा है उसको एब्सोल्यूट नेजल ब्लॉकेज है, जो उसका जो डिफॉर्मिटी है नोज का, जो उसका जो नोज जो विकृत है उसके कारण उसको बिल्कुल ब्रीदिंग नहीं हो रहा, उसका नोज ब्लॉकेज है, इन दैट केस वी कैन डू द राइनोप्लास्टी सर्जरी इन द चिल्ड्रन, दैट इज कॉल्ड द पीडियाट्रिक राइनोप्लास्टी. उस टाइम पे हम 12 साल 13 साल पे भी राइनोप्लास्टी कर सकते हैं. एंड इन मेल बॉयज 14 या 15 साल पे भी राइनोप्लास्टी कर सकते हैं. बिकॉज उसका जो फाइनली जो नोज है वो ब्लॉक है, तो दैट इज द पीडियाट्रिक राइनोप्लास्टी. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट कॉमन मिथ इन द पीपल माइंड दैट कैन गेट एनी टाइप ऑफ द नोज वट एम आई वॉन्ट. दैट मीन्स लोगों को यह है कि मैं राइनोप्लास्टी से किसी भी टाइप की नोज में मेरी बनवा सकता हूँ. बहुत बार जो मेरे ओपीडी में जब पेशेंट्स आते हैं, जब मैं पेशेंट से पूछा कि व्हाई आर यू अनहैप्पी विथ योर नोज एंड आपकी नोज में क्या आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, देन पेशेंट टोल्ड मी वो अपने एक जेब से अपना को एक सेलिब्रिटी की पिक निकालेगा, इधर प्रियंका चोपड़ा और इधर द ऋतिक रोशन, कि उसको इस टाइप की नोज बनानी है. बट द फैक्ट दैट you not copy of the someone other face, because friends, nose is just like a fingerprints of our body. That is really a unique structure for someone. Only we can just reshape and resize the nose according to your facial profile. God ने जो अपना face जो बनाया है उसके एक certain parameters हैं. इतनी width अपनी eyes की होनी चाहिए, इतना अपना जो है नोज होना चाहिए, एंड नोज के अंदर जो है इतना उसका विड्थ होना चाहिए, नोज का इतना लेंथ होना चाहिए, एंड इतना जो है अपने फेस से उसका प्रोजेक्शंस होना चाहिए. सो दीज ऑल थिंग्स आर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल फेस. ऐसा नहीं कि किसी सेलिब्रिटीज के अकॉर्डिंग टू अगर अपन ने हूबहू उसका किसी ने नोज भी बना लिया तो वो आपके फेस के लिए अच्छा होगा. सो दिस मिथ इज not correct, but ideally the fact, size and shape of the nose just according to your rest of the facial structures. Next myth that about the scar of the nose. People think that rhinoplasty ke baad mere nose pe kaafi bada sara scar ho jayega, but the fact there is no scar because the incision are closed very meticulously in very fine sutures. जो नोज का जो इंसीजन यहाँ पे जो आता है उसके बाद जब उसको क्लोज किया जाता है तो जस्ट इसमें 6-0 जो वाइक्री रैपिड सूचर होते हैं, जो जैसे बिल्कुल अपने बाल जितने से होते हैं, उससे उसको रिपेयर किया जाता है. सो यूजुअली नो इंसीजन स्कार अपीयर द नोज आफ्टर द सर्जरी, डोंट बॉदर फॉर दैट. बट समटाइम्स सम पीपल हैव द स्कार टेंडेंसी. अगर किसी को अगर उसकी स्किन पे जरा सा भी लगा बॉडी में तो उसको स्कार डेवलप होगा, बिकॉज स्कार टेंडेंसी इज ऑल्सो डेवलप ऑन द स्किन टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द पर्सन. इफ समवन हैव दैट टेंडेंसी, सो वी कैन मैनेज बाय द ऑइंटमेंट्स
or sometimes the scan revision procedures. But usually there is no incision scar appear on the nose after the surgery. Another important myth about the rhinoplasty, people think that rhinoplasty is only for the cosmetic purpose. But the really, the fact, no, the cosmetic purpose is only the 40% of the rhinoplasty. There are other different purpose also. One is the functional. जब नोज की जो डिफॉर्मिटी, जो नोज का जो विकृत होता है, उसके कारण पेशेंट हैव द ब्लॉकेज इन द नोज. सो फॉर द करेक्शन ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ द नोज एंड फॉर इम्प्रूव द ब्रीदिंग एंड द क्लियर एयरवेज फॉर द राइनोप्लास्टी, देन दैट इज द फंक्शनल राइनोप्लास्टी. अनदर इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ द राइनोप्लास्टी दैट इज द इन कंजनाइटल नोज डिफॉर्मिटी. जब जन्मजात कटा हुआ तालू और जो होट होता है उसके साथ पे भी नोज का जो है वो डिफॉर्मिटी होता है. सो फॉर करेक्शन ऑफ दैट कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी बाय द राइनोप्लास्टी, दैट इज द अनदर इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ द राइनोप्लास्टी. थर्ड इम्पोर्टेंट पर्पज फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नोज. फ्रेंड्स, आपने भी देखा होगा बहुत बार दुर्घटनावश या फाइटिंग में या क्राइम में बहुत बार क्या नोज को चॉप कर दिया जाता है. एंड यू नो इन द एंशिएंट टाइम, जब प्राचीन समय में जब किसी क्राइम के कारण जब नोज को चॉप कर दिया जाता है, तो ऐसे जो लोग होते थे उसको समाज में रहने का एक जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप होता था, बिकॉज नाक का एक सवाल होता है. सो सुश्रुत ने एट दैट टाइम जो ऐसे जो पेशेंट थे उनका यहाँ से एक स्किन लेके नोज का निर्माण किया बाय द फोर हेड फ्लैप रिकंस्ट्रक्शन. सो उसके बाद आपको जान के ये खुशी होगी कि पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में राइनो इंडिया इज द फादर ऑफ राइनोप्लास्टी सर्जरी. पूरी दुनिया में जो इस राइनोप्लास्टी जो सर्जरी का जो जनक है वो भारत देश है. एंड दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, जो इंडियन जो राइनोप्लास्टी सर्जन है वो बेस्ट राइनोप्लास्टी सर्जन ऑफ द वर्ल्ड. द रीजन बिकॉज इंडिया में जो इतनी डाइवर्सिटी है कि अगर आप ईस्ट में जाते हो तो डिफरेंट टाइप का नोज होगा, बट आप वेस्ट में जाते हो तो डिफरेंट टाइप का नोज होगा, अगर आप साउथ में जाते हो तो आपको डिफरेंट टाइप का नोज होगा. सो एक जो राइनोप्लास्टी सर्जन है इंडियन, उसको डिफरेंट टाइप नोज करेक्ट करने का इन एक्सपीरियंस और तजुर्बा होता है. सो ही हैव ए ऑल टाइप्स ऑफ द नोज करेक्शन एक्सपीरियंस. सो इंडियन राइनोप्लास्टी सर्जन इज ए गुड राइनोप्लास्टी सर्जन. तो ये जो इम्पोर्टेंट जो पर्पज है नोज रिकंस्ट्रक्शन, उसमें क्या करते हैं, रिपेयर ऑफ द डैमेज एंड इंजर्ड पार्ट ऑफ द नोज बाय द राइनोप्लास्टी. उसमें मोर देन वन, दो या तीन स्टेज की बहुत बार जरूरत पड़ती है. सो द फैक्ट इज दैट राइनोप्लास्टी इज नॉट ओनली फॉर द कॉस्मेटिक पर्पज, फॉर द फंक्शनल पर्पज, फॉर द कंजेनाइटल डिफेक्ट करेक्शंस एंड फॉर द नोज रिकंस्ट्रक्शंस. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मिथ अबाउट द राइनोप्लास्टी सर्जरी, द पीपल थिंक द राइनोप्लास्टी इज ए वेरी पेनफुल प्रोसीजर, बट द फैक्ट प्रोसीजर डू आइदर अंडर लोकल और जनरल एनास्थीसिया. इन माई पेशेंट आई ऑलवेज डू माई सर्जरी एंड जनरल एनास्थीसिया. सो द पेशेंट इज द स्लीप एंड पेशेंट डजेंट हैव एनी पेन एंड पेशेंट इज द रिलैक्स. सो during the entire procedure you cannot feel anything throughout or after the procedure. So the fact rhinoplasty is not painful procedure. Another important myth about the rhinoplasty that logon ke dimag mein ye hota hai ki after the rhinoplasty surgery I need to hide away and rest after the surgery for the month. So it's not a fact. The fact, because after the rhinoplasty surgery you need a small splint to wear on the nose for 1 week. जैसे अपन कोई भी रूटीन ऑर्थोपेडिक की सर्जरी करते हैं एंड उसको करेक्शन करने के बाद उसके ऊपर एक प्लास्टर लगाया जाता है, ऐसे ही राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद नोज के ऊपर एक छोटा सा प्लास्टर जिसको स्प्लिंट कहते हैं वो 7 to 10 days के लिए वियर किया जाता है. एंड जब उस प्लास्टर को हटा दिया जाता है उसके बाद में यू कैन डू योर नॉर्मल एक्टिविटी, नो नीड टू द लॉन्ग रेस्ट एंड कैन डू द नॉर्मल एक्टिविटी द नेक्स्ट वीक. कुछ परहेज हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं जो यूज में अपने को रखना होता है. दैट इज द
लाइक हैवी वेट लिफ्टिंग, हैवी जिम एक्सरसाइज, स्ट्रेनस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ये आपको अवॉइड करना होता है. एंड इफ़ ए पर्सन हैव स्मोकिंग, सो आपको स्मोकिंग और द एल्कोहल शुड अवॉइड आफ्टर द राइनोप्लास्टी सर्जरी फॉर अराउंड द 4 weeks बिकॉज दैट डिले द हीलिंग इन द राइनोप्लास्टी. सो द फैक्ट इज दैट that no need to hide long away or for the month after the rhinoplasty surgery. So friends, another myth about the rhinoplasty surgery, that rhinoplasty causes the long term breathing issues. But really the fact, because after the rhinoplasty you have a small minor pack in the nose, so only a small minor nasal blockage due to the splint and the pack. ऐसा नहीं है कि आपका जो है वो नोज जो है लंबे समय तक जो है वो ब्लॉकेज रहता है, एंड नो परमानेंट ऑल्ट्रेशन इन द फंक्शनलिटी ऑफ द नोज, सो दैट इज नॉट ए इम्पोर्टेंट थिंग. दोस्तों, आई होप दैट दीज ऑल इंफॉर्मेशंस अबाउट द मिथ एंड फैक्ट ऑफ द राइनोप्लास्टी इज यूजफुल फॉर यू, एंड यू कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशंस टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, to your colleagues, just to create the awareness about the rhinoplasty surgery. And if you have the more query regarding the rhinoplasty surgery, regarding the myth and fact of the rhinoplasty, you can log in my website jdshospital.com or nuxrhinoplasty.com, and for getting more notifications about my videos, you can press the bell icons and subscribe my YouTube page. Thank you.